फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर रीना। आज हम बेडशीट से वॉशिंग मशीन का कवर बनाएंगे। पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो डाली हुई है, वो मैंने चेन लगाकर बनाया था कवर, लेकिन अब मैं बिना चेन के बना रही हूँ। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। उसके लिए हम सबसे पहले एक पीस कट करेंगे। ये बेडशीट में से मैंने ये पीस कट किया हुआ है। ये जो वॉशिंग मशीन के ऊपर आता है वो वाला पीस है, ये वॉशिंग मशीन के ऊपर आएगा। ये यहां से हम लंबाई इसकी हम 33 इंच ले लेंगे और इसकी चौड़ाई हम यहां से ले लेंगे, ये 20.5 इंच ली है मैंने इसकी चौड़ाई। और अब हम जो चारों साइड में आएगा कपड़ा साइड्स के लिए, वो हम पीस कट करेंगे। हम चारों का इकट्ठा ही कट कर लेंगे पीस। उसमें हमने अलग अलग कट किए थे, इसमें हम एक पीस ही चारों साइड में लगेगा। वो हम इसकी चारों साइड की जितना होगा उतनी हम चौड़ाई उसकी लंबाई ले लेंगे। ये यहां से 20.5 है और यहां से है 33। 20.5 प्लस 33 ये हमारे हो गए 53। 53 दो साइड और 53 ये दो साइड और। ये हम 53 इंच के पीस कट करेंगे और वॉशिंग मशीन की हमारी लंबाई है 33 इंच और 2 इंच मैं एक्स्ट्रा लूंगी, उसमें हो गया हमारा 35 इंच। ये देखिए, ये मैंने पीस कट किया हुआ है, ये देखिए इस तरह से। ये यहां से ये मैंने 35 इंच लंबाई इसकी, ये यहां से 35 इंच लंबा लिया हुआ है कपड़ा। और यहां से हम ये मेरा डबल है, ये यहां से दो साइड का एक और दो साइड का ये दूसरा, ये चार साइड का हो जाएगा हमारा। ये यहां से मैंने ये लिया हुआ है, ये 53 यहां से मैंने ये लिया हुआ है जो हमने दो साइड का टोटल किया था 53। 53 ये यहां से है और डबल ले लेना है हमने चार साइड के लिए। और लंबाई 35 इंच ये मैंने कट किया हुआ है। ये लंबी चादर ये थोड़ा सा कम था यहाँ से कपड़ा, मैंने पीस और काट कर इसके साथ यहाँ जोड़ लगाया है। ये आपका पूरा नहीं आएगा, इसलिए आप पीस अलग से और काट कर यहाँ ये जोड़ लगाकर इसे पूरा कर सकते हैं। अब हम स्टिचिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये जो छोटा पीस था सबसे पहले ऊपर वाला वो लेंगे, और ये जो एक और जो बड़ा पीस कट किया हुआ है हमने वो लेंगे। ये पीस मैंने लिया हुआ है और ये जो दूसरा पीस है वो लेंगे। ये आप स्टिचिंग यहां से लंबाई वाली साइड से या चौड़ाई वाली साइड से कहीं से भी सिलाई करना शुरू कर सकते हैं आप। ये यहां रखेंगे इसे और ये हमारी लंबाई है 35 इंच जो हमने ऊपर से नीचे तक लंबाई कर रखा है। 53 इंच लिया है, जो हमने 53 इंच लिया है वहां से हम ये जोड़ना शुरू करेंगे। ये यहां रखेंगे इसे, यहां से हम थोड़ा सा छोड़ देंगे और यहां से शुरू करेंगे थोड़ी सी आगे से। ये यहां से इसको उस पर रखते हुए इस तरह से सीधा सिलाई करेंगे बिल्कुल। ये देखिए, यहां तक पूरा नीचे तक स्टिच करने के बाद यहां ये थोड़ा सा ऊपर लेंगे और इसे यहां से घुमा देंगे ये नीचे, और इसे ऊपर वाले कपड़े को भी इस तरह से इस पर मोड़ते हुए यहां भी हम ये बिल्कुल सीधा सिलते जाएंगे इसे।
इसे रखते हुए बिल्कुल सीधा सिलते जाना है। ये देखिए ये भी यहाँ तक आ गया है, ये यहाँ तक करके इसे भी हम यहाँ से मोड़ लेंगे, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी, और यहाँ से स्टिच करेंगे। इसी तरह से हमने पूरे कपड़े को चारों साइड्स में लगा लेना है। ये देखिए ये यहाँ तक हमारा पूरा आ गया, जहाँ से हमने ये थोड़ा सा छोड़ा था, यहाँ से भी हम ये वाला भी हम थोड़ा सा छोड़ देंगे, यहाँ से ऊपर तक सिलाई करेंगे, ये यहाँ तक। अब ये देखिए ये यहाँ से हमारा जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कपड़ा, हम इसे सीधा कट कर लेंगे। अगर आपका भी एक्स्ट्रा है तो आप कट कर लीजिए, अगर आपका बराबर आया है तो आप बराबर रखिए इसे, नहीं तो कट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हम थोड़ा सा घुमाते हैं तब छोटा बड़ा हो जाता है, ये थोड़ा सा बड़ा आ जाता है यहाँ से, क्योंकि हमने गोलाई में वहां से घुमाया था, इसलिए यहाँ से अब ये हम सीधा कट कर लेंगे, यहाँ से पूरी लंबी पट्टी निकाल लेंगे। ये देखिए ये चारों साइडों से ये सिलाई करने के बाद, ये जो हमने यहाँ से ये छोड़ा था, अब हम यहाँ से इन दोनों को पकड़ते हुए यहाँ से लंबी नीचे तक सिलाई कर लेंगे दोनों को, ये यहाँ से जो हमने दोनों छोड़े हैं उन दोनों को इकट्ठा मिलाते हुए यहाँ से स्टिच कर लेंगे, नीचे तक हमने पूरा लंबाई में स्टिच कर लेना है। ये देखिए ये मैंने यहाँ से पूरी लंबी सिलाई कर ली है, और ये जो हमने यहाँ से छोड़ा था, यहाँ से भी हम ये इस तरह से यहाँ से ये स्टिच कर लेंगे। ये यहाँ से पहले यहाँ और फिर इस तरफ घुमाकर ये यहाँ से इसे कंप्लीट कर लेंगे पूरा ऊपर से। अब ये हमारा पूरा ऊपर से सिल चुका है, अब हम इसे नीचे से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ हम ये मोड़कर इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके एक बार ऐसे और एक बार ऐसे फोल्ड करके यहाँ पूरे पर नीचे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये मैंने पूरा नीचे से यहाँ से फोल्ड कर लिया है, और ये हमारा अब कवर बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए ये हमारा कवर बनकर तैयार है, मैं आपको इसे दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये हमारा कवर बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए अब बिल्कुल सही आया है मशीन पर, ये देखिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।